हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर हमारा नेक यानी कि सूट का गला बड़ा है और चौड़ा है तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखो, ये मेरे पास सूट है, इस सूट का गला बहुत चौड़ा है, हमने इसको कम करना है यानी कि इसकी चौड़ाई हमें कम करनी है। तो चौड़ाई हम कैसे कम कर सकते हैं इसकी, ये देखो, ये यहाँ से 7 इंच का ये चौड़ा है और हमने बनाना है इसको 4.5 इंच तक। तो 4.5 इंच तक हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे हमें इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ये देखो दोनों जो हमारा ये वर्क है यानी कि कढ़ाई है हमारी, तो ये दोनों हमारी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, थोड़ी सी भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जितना भी हमें गला चाहिए है यानी कि मान लो मुझे यहाँ से तो हमारी सिलाई लग जाएगी, इतनी इतनी हमारी सिलाई लगेगी, ठीक है। और यहाँ से मुझे चाहिए है 2.25 इंच का गला, मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई रखती हूँ 2.25 इंच की। तो 2.25 इंच की चौड़ाई रखने के बाद आपका गला बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ना ही तो कंधे गिरेंगे और ना ही आपका गला पीछे जाएगा, ये बहुत परफेक्ट गला बनता है अगर आप यहाँ से 2.25 इंच का रखते हो। तो यहाँ से देखो 2.25 यहाँ से आया है मेरा, यहाँ से लेके और यहाँ तक मैंने 2.25 रख लिया है और यहाँ तक हमारा ये सिलाई में दब जाएगा। तो अब क्या करना है, अब आपको जो यहाँ पे निशान लगाया है इस निशान को ऐसे तिरछा करके यहाँ तक आपको सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे एक निशान लगाना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे निशान लगा दिया है और यहाँ से हम एक सिलाई लगा देंगे। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो भी आपकी ये कढ़ाई है वो आपकी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, थोड़ी सी भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका गला खराब हो जाएगा। ये देखो, ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम जब इसका नेक बनाएंगे तो हमारी ये चौड़ाई जितनी हमें चाहिए है उतनी ही बचेगी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ इंची टेप के साथ नाप के, ये देखो यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी और यहाँ से 4.5 इंच पे लगेगी, तो आपका गला यहाँ पे चौड़ाई में 4.5 इंच का बच जाएगा। और यहाँ से आपको जितनी भी लेंथ रखनी है, मेरे को इसकी लेंथ रखनी है 7.25 इंच, तो 7.25 इंच तक ही हमने ये सिलाई यहाँ पे लगा ली है। अब आप यहाँ पे बुकरम के साथ इसका गला बना सकते हो, तो मैं आपको ये बुकरम के साथ गला बना के दिखाऊँगी। ये देखो, ये हमने नेक बना लिया है, इसकी अब चौड़ाई हमारे पास 4.5 की रह गई है, इसकी बहुत चौड़ाई ज़्यादा थी तो हमने कम करके इसको 4.5 का रख लिया है और लंबाई इसकी हमने रखनी थी 6.5 की, तो 6.5 की कर ली है और यहाँ से हमारा ये 4.5 बच गया है। तो आप भी इसी तरह से नेक की चौड़ाई कम कर सकते हो अगर आपकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं सूट की कटिंग लेके आऊँगी।